पर टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा जिनको करना है, नहीं तो फिर बाद में कोई मतलब नहीं है ज्वाइन करने का। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 20 का लाभ अर्जित करता, क्रय मूल्य 448 है, तो अंकित मूल्य बताइए। सबसे ज्यादा दूसरा रिपीट होने वाला प्रश्न, एक रिपीट होगा आपके बेचा बेचा प्रश्न और एक रिपीट होगा डिस्काउंट देने पर भी प्रॉफिट होगा। अंकित मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य पूछेंगे और क्रय मूल्य दिया होगा तो अंकित मूल्य पूछेंगे। क्वेश्चन का टाइप होता है बट्टा देने पर भी लाभ होना। बट्टा कितने का दिया? 20 की छूट देकर भी 20 का लाभ कमाना है, इसको बोलते हैं बट्टा देकर भी लाभ होने की कंडीशन। और यहां दो ही सवाल बनेंगे, क्रय मूल्य दिया होगा तो अंकित पूछेंगे और अंकित मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य पूछा जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, हमेशा खरीदने का मूल्य कम होता है, अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है, तभी वो डिस्काउंट दे पाएगा। अगर खरीदने के ऊपर ही उसने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया तो कभी लाभ की कंडीशन बनेगी ही नहीं। चलिए तो आप बताइए 20% का डिस्काउंट कहां पहुंचे 80, फिर भी 20 का लाभ हुआ 120। क्रय मूल्य दिया और अंकित लाना तो अंकित मूल्य ज्यादा होगा और ज्यादा लाने के लिए ऊपर वैल्यू भी हम ज्यादा रख देंगे 120। 0 से 0, चलिए 8 से 8 45, 8 से 48, तो 12 × 6 72, 60 और 60 672, 672 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। और ये ऑटोमेटिक सारे जो ऑप्शन होंगे वो इससे ज्यादा ही होंगे हमेशा अंकित मूल्य वाले में। और ये अंकित मूल्य दिया होता 672 और क्रय मूल्य होता तो सारे ऑप्शन 672 से कम होते। आगे बढ़ते हैं, 91 में बेचने पर 30 का लाभ होता है तो 78.75 में क्या होता है? तो पहले मुझे क्रय मूल्य लाना पड़ेगा। 91 में बेचा तो 30 का लाभ, तो क्रय मूल्य 100/130, 13 से 7 70 रुपए आ गया। अब 70 वाली चीज कह रहा है 78.75 में बेचो, 8.75 का लाभ 70 के ऊपर गुणा 100, पॉइंट हटाए तो 20, 7 से कट रही है वैल्यू, 7 एकम 7, 5 से 5 एकम 5, 3, 7 × 5 = 35, 2, 5 से 14, 7 × 2 = 14, फिर 3, 5 और 7 से 2, 25/2, और 25/2 हो जाता है 12.5। 12.5 का क्या हो रहा है? लाभ, ध्यान रखना 12.5% का लाभ हो जाएगा जो आपके पहले ऑप्शन में है। क्या आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन के लिए? यहां तक की बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 1800 रुपए में बेची, क्यू ने आर को उस मूल्य पर बेचता जो पी से 80% का 8% का लाभ होता। पहले देखो, पी ने वस्तु क्यू को 1800 में बेची 20% हानि पर, 20% हानि पर क्यू को 18000 में बेची, सर तो मूल कीमत 100/80, 2 से 5, 2 से 4, 4 से 4 × 16, 2 0 0 5 25, 2 20 और 2 22, 500 में। क्यू ने इसे आर को उस मूल्य पर बेचा जो पी पर 8% का लाभ होता है। अब आप बताइए 22,500 पर 8% का लाभ, पी की लागत मूल्य से 8% लाभ कमाओगे ना, 108/100, तो क्यू का कितना लाभ होगा वो देखेंगे अभी अपन। चलिए इनका गुणा करना पड़ेगा, 225 × 108, और जैसे ही 225 × 108 करोगे तो ये आ गया 24,300। अब हम यहां से देखेंगे क्यू ने इतने में खरीदा और इस मूल्य पर बेचा तो लाभ बताओ, 24,300 में से 22,500 घटा लीजिए, 1800 का लाभ, 22,500 पर गुणा 100, 9 से बोलिए 2 बार, 9 से 9 × 18 = 4 = 25, और 25 से 100 = 4, 4 × 8%। एक सेकेंड